सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सब का स्वागत कर दी। खबर शुरुआत करांगे पर उस तो पहले हेडलाइंस से। किसान आंदोलन में पांच सूबियां दी विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने आज बुलाई अहम बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधन। अज बरनाला विच किसानां दी महारैली, बरनाले दे दाणा मंडी विखे किसान मजदूर एकता महारैली दा आयोजन, लखां दी गिनती विच पहुंच रहे ने लोग। तेई फरवरी नूं देश भर तो किसानां दे वड्डे काफले पहुंचणगे दिल्ली, पगड़ी संभाल दिवस मौके जेपी दलाल दे बयानां दे खिलाफ विशाल महापंचायत। भाजपा के गढ़ गुजरात में स्थानक सरकार चोणों हो रही है वोटिंग, अमित शाह से कोरोना पीड़ित विजय रूपाणी पीपी किट पाके पाउंगे वोट। हुण खबरां विस्थार नाल। देश दे पांच सूबे विच चोणां दी तैयारी शुरू होण वाली है। इस विचाले बीजेपी ने अज एक अहम बैठक सदी है। इस बैठक नूं प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करनगे। इस तों पहलां शनिवार नूं पार्टी प्रधान जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय जनरल सकत्तरां ते सूबा संगठन के जनरल मंत्रियों नाल कुछ महत्वपूर्ण मीटिंगां कीतियां। अज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय अधिकारियों की बैठक नूं संबोधन करनगे। कोरोना महामारी दौरान राष्ट्रीय अधिकारियों की यह पहली मुलाकात होवेगी जिस विच आगू मौजूद रहणगे। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का संघर्ष लगातार ही जारी है। इस संघर्ष को तेज और तीखा करने के लिए किसान जथेबंदियों वालों लगातार नवे प्रोग्राम उलीके जा रहे हैं, जिस तहत भारतीय किसान यूनियन उगराह और पंजाब खेत मजदूर यूनियन वालों सांझे तौर पर बरनाला की दाणा मंडी विखे किसान मजदूर एकता महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आगुआं वालों इस महारैली में 2 लाख तो वध पंजाब भर तो लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जिस लई तैयारियां मुकम्मल ने। इस मौके गलबात करदे पंजाब खेत मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन उगराह ने दसिया कि बरनाला विखे की जा रही किसान मजदूर एकता महारैली का मुख मकसद किसानों के मजदूरों के एके होर मजबूत करना है। उन्हें कहा कि इस महारैली में पंजाब भर तो 2 लाख तो वधेरे लोग पहुँच रहे हैं। इस महारैली नाल खेती कानूनों खिलाफ चल रहे संघर्ष में एक नवी जान पवेगी। इस महारैली लई संयुक्त किसान मोर्चे दी जथेबंदियों के आगुआं नूं भी सद्दा भेजा गया। दिल्ली के सरहदों से चल रहे किसान मोशन मजबूत करने के लिए देश के वक्त हिस्सों में किसान महापंचायत का दौर जारी है। चंडीगढ़ विखे हुई किसान महापंचायत दौरान शहरी खेत्र के लोगों की भी वड्डी शमूलियत वेखण नूं मिली है। गाजीपुर सरहद के नौजवानों वालों उनाव यूपी में 2 दलित लड़कियों की भेदभरी हालात में हुई मौत की निरपक्ष जांच कराने की मांग को लेकर रोस मार्च कढ़िया गया। संयुक्त किसान मोर्चा मुताबक 23 फरवरी को देश भर के किसानों को पगड़ी संभाल दिवस मनाउंदियां रंग बिरंगियां पग्गां बनदियां वड्डे काफलियां नाल दिल्ली मोर्चा में शामिल होने का सद्दा दिता गया। 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मौके जेपी दलाल के बयानों के खिलाफ भिवानी में विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसान अंदोलन हुण विदेशी किसानों की भी हिमायत मिलन लगी है। अमेरिका दी 87 किसान जथेबंदियां ते खेती ते खुराकी हकां बारे संघर्ष करन वाले संगठनां ने भारत में चल रहे किसान अंदोलन की हिमायत का ऐलान किया। इन्हां जथेबंदियां ने कहा कि भारत में चल रहे किसान अंदोलन की हिमायत करते हैं। उन्होंने भारत ते अमेरिका दी सरकारां नूं बेनती की है कि किसानों की मदद की जाए। इस दे नाल ही लखां लोगों की रोजी रोटी ते खुराक ढांचे की राखी यकीनी बनाई जाए। अमेरिकी संगठनों ने बयान जारी करके है कि भारत के किसानों ने गैर वाजब खेती कानूनों खिलाफ विश्व की सब तो वड्डी मुहिम छेड़ी है। उन्हां अकाली नाल कानून संसद में पास करन ते शांतिपूर्ण रोस प्रगटाउण के हक नूं दबण लई चलियां जा रही चालां का जिक्र भी किया। संगठनां ने कहा है कि किसान जथेबंदियों नूं भरोसे में लए बिना मंडी ढांचे नूं आजाद करना ठीक नहीं। अमेरिकी संगठन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पॉलिसी की कार्यकारी डायरैक्टर सोफिया मर्फी ने कहा है कि वह खेती कानूनों का विरोध करते हैं और भारत के किसानों नाल खड़े ने।
दिल्ली हिंसा विच गिरफ्तार किए गए किसानों दियां जमानतां दा सिलसिला जारी है। होर 15 जणां नूं जमानत मिल गई है। यह सारे ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा संबंधी केसां दे विच गिरफ्तार किए गए सन। इन्हां दी किसानों की रिहाई लई 200 दे करीब वकील दिन रात काम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के कानूनी सैल के कन्वीनर प्रेम सिंह भंगू ने कहा है कि थाना पच्छमी विहार में बंद बठिंडा जिले के जगसीर सिंह, तलवंडी साबो के मखण सिंह, बरिंदर सिंह, मानसा के सुखजिंदर सिंह, विकी मुक्तसर साहिब के जसविंदर सिंह, लुधियाना के प्रदीप सिंह, फिरोजपुर के सुखराज सिंह, हरप्रीत सिंह, फाजिलका के यादविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह नूं जमानत दी गई है। इसी तरह ही बुराड़ी थाने में बंद राजेंद्र सिंह, सतबीर सिंह, संदीप सिंह, सुरजीत सिंह, रवि कुमार की जमानत मंजूर हो गई है। पंगू ने कहा है कि जोगिंदर सिंह मानसा, बलविंदर सिंह होशियारपुर, गुरदयाल सिंह होशियारपुर, प्रगट सिंह फिरोजपुर नूं तिहाड़ जेल तों रिहा किया गया। हुण वधदे हां कुछ होर खबरां वल। गुजरात में स्थानक सरकारां दीआं चोणां विच कुल 572 सीटां लई अज वोटिंग जारी है। गुजरात के 6 नगर निगमां लई अज मतदान हो रहा है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी आगू अमित शाह भी वोट पाउण लई अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। उधर कोरोना पीड़ित मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पीपीई किट पहन के चोण कमिश्न की गाइडलाइनस मुताबक शाम 5 बजे तो बाद राजकोट विच वोट पाउण लई पहुंचणगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटन कारण आई आफत को करीब 2 हफ्ते हो गए हैं, पर अजे भी बचाव मुहिम जारी है। लाशां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अजे भी तपोवन और रैणी इलाके के 100 तो वधेरे लोग लापता दसे जा रहे हैं। तपोवन सुरंग तो बचाव दलों ने देर रात 2 होर लाशां बरामद की। अधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रीय आफत मोचन बल की टीम ने तपोवन सुरंग तो देर रात 2 होर लाशां बरामद की, जबकि शनिवार शाम को ही 3 लाशां कटी गई सन। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान वायरस के 14,264 नवे मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना कारण 90 मौत हुई हैं, 11,667 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इस दे नाल ही 1,10,85,173 लोगों को वैक्सीन दी गई है। भारत के एक बार फिर तो कोरोना इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 28 दिनों तो बाद कोरोना के एक नवे केस ने 14,000 के अंकड़े ने छुआ है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के विचकार एक होर डरावनी खबर भी सामने आई है। एम्स के मुखी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खदशा जाहिर किया है कि भारत में नवा कोरोना स्ट्रेन पहला नालों वधेरे खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस विरुद्ध इम्यूनिटी बनाने की गल भारत में एक मिथ है, क्योंकि देश की 80% आबादी में कोरोना वायरस न लड़न लई एंटीबॉडीज होनिया चाहिए ने। रूस में मनुखा में बर्ड फ्लू के वायरस फैलन का पहला मामला सामने आया है। रूस ने पुष्टि की है कि मनुखा में H5N8 एवियन फ्लू भाव की बर्ड फ्लू का विषाणु पाया गया। रूस ने कहा है कि पोल्ट्री फार्म के 7 कर्मचारी बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। इतने मैं स्वाति सिखने दुआ आ गया। धन्यवाद।